फ्रेंड्स का मैं गनीसा, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और कुछ अच्छा अच्छा ही कर रहे होंगे अपनी अपनी लाइफ में। तो मैं काफ़ी दिनों बाद आज कुछ शूट कर रही हूँ, क्योंकि बहुत टाइम से मैं सोच रही थी कि मैं शूट करूँ, लेकिन ऐसा मौका ही नहीं मिल रहा था और ऐसा मन भी नहीं कर रहा था। क्योंकि एक बार जब आपके है ना ब्लॉगिंग की आदत छूट जाती है ना, तो वापस उसे पकड़ना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो काफ़ी दिनों बाद फिर आज मैं शूट कर रही हूँ। तो आज हरतालिका तीज है, तो आप सभी को हरतालिका तीज की बहुत सारी शुभकामनाएं। तो मैं हरतालिका तीज करती हूँ और एमपी में तो मुझे जहाँ तक याद है सभी करते हैं, लेकिन राजस्थान में बहुत कम लोग करते हैं। मतलब जब मेरी नई नई शादी हुई थी ना, तो मैंने यहाँ देखा था तो कोई भी मतलब ये हरतालिका तीज का व्रत नहीं करता था। मतलब मेरे को ऐसा लगता था कि मैं अपने मायके ही की है। मैंने मतलब एक दो साल स्टार्टिंग के अपने मायके ही मैंने ये तीज मनाई है। मैं मायके चल जाती थी और वहीं ये तीज मनाती थी। लेकिन अभी ना आजकल प्रदीप मिश्रा के प्रवचन सुन सुन के आजकल सभी हरतालिका तीज करने लगे हैं। तो मैं भी मॉर्निंग में अभी जस्ट 10 बज रहे हैं और मैं नहा धो के कंप्लीट हो गई हूँ। मैंने ये छोटा सा ढालू सेट पहना है और शाटन का सूट वियर किया है। तो ये 4 मीटर सूट है, क्योंकि आज के दिन है ना ऐसा मेरे मम्मा को हम बोलते हैं कि नए कपड़े पहनने चाहिए, कोले कपड़े पहनने चाहिए, जो आपने अभी तक नहीं पहने हैं वो पहनने चाहिए। और मैंने है ना छन छन वाली पायल भी पहनी है, मैं आपको दिखाती हूँ। तो मैंने ना ये छन छन वाली पायल भी पहनी है, ये बहुत ज़्यादा बसती है। और पता नहीं कैसे इसका एक नग है ना गिर गया, आज ही गिरा है पता नहीं कैसे। तो फाइनली मैंने पायल भी पहन ली, चूड़ा भी पहन लिया है और थोड़ा सा मेकअप भी कर लिया और फाइनली मैं रेडी हूँ। तो अभी मैं ना घर के मंदिर की पूजा करूँगी, या फिर हुआ तो मंदिर चल जाऊँगी और वहाँ पूजा करूँगी, और फिर शाम को पूरा ब्लॉग स्टार्टिंग से अच्छे से स्टार्ट करूँगी, क्योंकि शाम को ही पोशाक वियर करूँगी मैं और फिर प्रॉपर पूजा करेंगे। क्योंकि हरतालिका तीज की जो पूजा होती है ना, वो पालथी शिवलिंग बनाए जाते हैं बालू रेती के, और फिर उसकी पूजा की जाती है। तो बड़े मम्मा हुकुम के यहाँ पे हर साल मैं ये पूजा करती हूँ, तो बड़े मम्मा हुकुम के यहाँ चलेंगे और वहीं पूजा करेंगे। तो अभी मैं फटाफट से अपने घर के भगवान जी की पूजा कर लेती हूँ और फिर फूल पत्तियाँ है ना बहुत सारी फूल पत्तियाँ चढ़ती हैं भगवान जी को, मतलब इस व्रत में ना फूल पत्तियाँ बहुत सारी चढ़ाई जाती हैं। तो फिर वही फूल पत्तियाँ चढ़ाएँगे, तो उसी को तोड़ने के लिए मैं जाऊंगी। तो बने रहिएगा पूरा ब्लॉग में, और प्लीज़ आज का ब्लॉग बिना कुछ भी इसका पार्ट को मिस किए, कुछ भी स्किप किए, पूरा ब्लॉग आप ज़रूर देखिएगा। तो फाइनली गाइज मैं रेडी हो गई हूँ तीज पूजा के लिए। तो बस अब मैं पूजन करने जा रही हूँ। मैंने ना ये सिंपल सी ये ऑरेंज पोशाक पहनी है, ऑरेंज कलर की, और सुंदर सा बेसल रिंग और जो भी होता है रेडी सीज फूल वगैरह, ये बाजू, सुंदर सा चूड़ा पहन के मैं जस्ट रेडी हुई हूँ तीज के लिए। तो अब तीज की पूजा करने जाएंगे, तो फटाफट चलते हैं। थाली दिखा देती हूँ कि मैं थाली में क्या लेके जा रही हूँ। तो ये फूल है गुलाब के हैं, ये फूल पत्तियाँ जो भी है ना जो चढ़ाई जाती है वो सब है। पूजा की थाल जिसमें दूध, दही, शक्कर, शहद, घी और निचली भोग के लिए बाकी ये पूजा का सारा सामान जो भी भगवान शिव जी को और माता को चढ़ता है, जनेऊ, कपूर, सब कुछ जो भी भगवान जी को चढ़ता है वो। अब मुझे जल का लोटा लगना है भर के और दीपक लगाना है। तो फ्रेंड्स शाम को ये जो पूजा होती है ना हरतालिका तीज की, ये शाम को इसकी पूजा स्टार्ट होती है। तो मैंने शाम को मैं रेडी होके बड़े मम्मा हुकुम के यहाँ आ गई थी। फिर हम लोगों ने सबने साथ में मिलके फिर पूजा की, बड़े मम्मा हुकुम ने, बाईसा ने, मैंने और पिंदनी भी थे, सब ने मिलके पूजा की।
बहुत सुंदर फूलेला मम्मी को बनाया है। हमारे महादेव जी जो दिख नहीं रहे क्योंकि पत्तियां इतनी सारी हैं। बनने वाली दुल्हन सबसे पहले अब इनकी शादी आई है ना मम्मी। आपने बना के तो लेट है, बस अभी टाइम है। तो यहाँ पर सब पूरा श्रृंगार चढ़ाया जाता है, जितना भी सुहाग का होता है वो सब सामान चढ़ाया जाता है माता पार्वती जी को, और महादेव को पत्तियाँ और जो भी उन होता है पत्तियाँ फूल पत्तियाँ और सब चढ़ाई जाती है। तो ऐसी पूजा 5 की जाती है, पूरी 5 पूजा मतलब पूरी नाइट पूजा की जाती है इसकी। हल्दारी का तीज की जो पूजा होती है वो मॉर्निंग में 5 बजे तक सूर्य उदय नहीं होता उसके पहले तक 5 पूजा की जाती है, शाम से लेके मतलब आज शाम को 5 बजे से लेके सूर्यास्त से लेके सूर्योदय में पूरी नाइट पूजा की जाती है 5 पूजा। तो ये छोटे से मेरे ननन भाई साहब, इन्होंने मेरे बहुत सारे फ़ोटो खींचे, बहुत सारे इंस्टा के रील्स बनवाई, थैंक यू सो मच पैसा। तो फाइनली मैं पूजा करके आ गई हूँ और बहुत थक गए, मतलब अभी 9:30 बज गए, अभी तक कुछ खाया पिया नहीं है, तो बस पानी पियेंगे। और मैं क्या करती हूँ ना, पहली पूजा हो जाती है मेरी तीज की, उसके बाद मैं पानी भी पी लेती हूँ एक बार का, और चाय भी ले लेते हैं, दूध जो भी, और काजू बादाम खा लेती हूँ, फ्रूट्स कुछ होता है तो वो खा लेती हूँ, तो मैं कुछ खा पी लेती हूँ, भूख लग गई है जोर से, क्योंकि 8:30 के आसपास हो गई है, पहली पूजा में बहुत ज़्यादा टाइम हो गया और अभी 5 पूजा करनी है, तो लेट्स सी। तो बने रहिएगा आप पूरे ब्लॉग में, क्योंकि इसके बाद के जो ब्लॉग्स हैं, मतलब ये नाइट जागरण होगा तो उसी के कुछ क्लिप्स ऑल एड ऑन करूँगी मैं, तो प्लीज़ पूरा ब्लॉग ज़रूर देखिएगा, कुछ भी इसका पार्ट को स्किप किए। तो फ्रेंड्स ऐसे ही पूरी नाइट भजन संध्या होती रही और हम लोग पूरी नाइट ऐसे पूजा करते रहे, टोटल इसमें 5 पूजा होती है, वो सब 5 पूजा की हमने, फिर शिवलिंग का विसर्जन किया, लेकिन मैं उसका कुछ भी ज़्यादा शूट नहीं कर पाई, तो इसी के साथ मैं कुछ हमारी पिक्स ऐड ऑन कर रही हूँ, इसी के साथ ये व्लॉग एंड करती हूँ और आपसे मिलती हूँ मैं नेक्स्ट व्लॉग में। तो प्लीज़ यदि अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। कमा गणेशा।